साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, प्लीज आए और अपने वैल्यूएबल थॉट्स हम सबको बताएं। असरा फाउंडेशन के सभी सम्माननीय ट्रस्टी काजी साहब, मेरे सहयोगी मोहन मते, सभी आदरणीय महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं असरा फाउंडेशन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे समाज के जो ऐसे गरीब लोग हैं जो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको एक आधार देने का काम किया है, इसलिए उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। एक बात ऐसी है कि मैं भी करीब 25 साल से, जब हार्ट के ऑपरेशन मुंबई में होते थे और मैं जब हमारे वहाँ एमएलए हॉस्टल के रूम में, मैजेस्टिक एमएलए हॉस्टल में रूम में रहता था, तो नागपुर से खूब लोग आते थे क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन मुंबई में होते थे। तब मुश्किल से नागपुर में, अब नागपुर में ऑपरेशन करने वाले 20-25, 25-30-40 डॉक्टर हुए, तो उस समय बहुत बड़ी तकलीफ रहती थी। और उस समय से अभी तक मुझे ये सौभाग्य मिला कि हमने कम से कम, मैंने 20,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन निशुल्क करने के मौका मुझे मिला। और ये जब मौका मिला, इसका सबसे अच्छा मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि तुम जितनी लोगों की सेवा करते हो या लोगों की मदद करते हो, भगवान उससे 10 गुना ज़्यादा आपको देता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बहुत कर्जे के बोझ में रहता था, अभी भी हूँ, क्योंकि व्यवसाय उद्योगों में कर्जा लेना पड़ता है। पर जब जब भी मैंने अपने बच्चों को भी ये बताया कि अपने आमदनी का इतना पैसा गरीब के लिए देते जाओ, और इसलिए आज मैं आपको अनुभव के साथ बताऊंगा कि आप जो भी कर रहे हैं, अल्लाह भगवान आपको उससे 10 गुना ज़्यादा देगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक संत थे तुकाराम महाराज, जो का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणाव। गरीब आदमी जो होता है उसको जात पंत धर्म और भाषा नहीं होती। और आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना हुई है कि मेडिकल चौक में एक सब्जी बेचने वाला बैठता था और उसके लड़के को 84% मार्क मिले। वो मेरे लड़के के क्लास में था, यही बचराज व्यास विद्यालय में था, तो मेरे लड़के को 51% मिले और उसको 84% मिले। भानु से करके उसका नाम था, शेड्यूल ट्राइब का था। तो जब मुझे बताया गया कि उसने कि मेरे मित्र को मिला और मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बोले माँ बर्तन मांजने के काम करती है और पिताजी मेरे सब्जी बेचते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि अपने घर में इतना सब होने के बाद अपने बेटे को नहीं मिल पाया पर इसने मार्क मिला है। बाद में अचानक 8 दिन के बाद मेरे लड़के ने मुझे कहा कि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मेडिकल में एडमिट है, आप डीन को फ़ोन करो। तभी हमारे जुम्मा तलाव के ऊपर चार्टर अकाउंटेंट दानी रहते हैं, उनकी पत्नी विभावरी दानी मेडिकल की डीन थी, और मैंने उनको फ़ोन किया कि आपका ऐसा ऐसा लड़का एडमिट हुआ है, थोड़ी उसकी चिंता करो। चिंता करने के बाद 1-3 दिन के बाद उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ये सर, ये केस बहुत डिफ़िकल्ट है, हम प्रिडिक्ट कर रहे कि इसको बहुत सीरियस कैंसर है और इसको मुंबई में ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जब ये बात का पता चला तो घर इतना गरीब परिवार था तो मुंबई जाने का कोई कारण ही नहीं, तो उतने में मुझे नागपुर में नागभूषण करके एक अवार्ड मिला। तो मैंने उसके पैसे जो थे वो 1.5 लाख रुपये उसको दे दिए और ऊपर से 1 लाख रुपये भी दे दिए। तो उसने कहा मैं तुम तुरंत हवाई जहाज से मुंबई आओ। मुंबई में आने के बाद एक अच्छा हुआ कि अब इसके कारण मुझे देश के प्रख्यात डॉक्टर जानते हैं, तो डॉक्टर अडवाणी बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा उसको भेजो, मैं उस समय मलबार हिल पर रहता था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजा। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, 3 महीने वो वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था और 3 महीने के बाद वो वापस आया।
और वापस मेरे घर पर वो रहने लगा, तो सुबह रोज़ एयर इंडिया की फ़्लाइट सुबह 6 बजे छूटती थी, तो मैं सोचता था कि जितने ज़्यादा देर नींद ले लूँ, क्योंकि रात को देर सोता था, और सुबह तैयार होकर बराबर आखिरी 2 मिनट में मैं एयरपोर्ट पर पहुँचता था। तो मैं अचानक उठा तो सुबह इसके उसके माताजी पिताजी उनके माताजी पिताजी सब मेरे गाड़ी के सामने खड़े थे और ज़ोर से रो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद डॉक्टर ने कहा कि भाई अब ख़त्म, अभी कुछ करने लायक नहीं, आप वापस जाओ, ऐसी स्थिति होगी। तो उसने कहा साहब ऐसी स्थिति, जब मैंने पूछा क्यों तबीयत अच्छी नहीं किया, नहीं बोला अच्छी है। अब डॉक्टर ने ये कहा कि ये लड़का पूरा अच्छा हुआ है, आप इसको वापस लेके जाओ। तो आज जो हम रो रहे वो खुशी के आंसू है। जब मैं वापस आया तो मैंने लड़के को पूछा अब तू क्या करेगा, तो बोले सर अब मैं मुझे फार्मेसी में एडमिशन दिलाऊँ। मैंने बोला 12th में 84% मार्क मिले तो इंजीनियर क्यों नहीं बनता, तो मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो मैंने झट से फ़ोन उठाकर दत्ता मेघे साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसा ऐसा लड़का है, मैं इसकी पूरी फ़ी देने के लिए तैयार हूँ, आप इसको इंजीनियर बनाओ। तो उन्होंने कहा आप क्यों देंगे, आप जो बोल रहे हैं आप उसको मेरे पास भेजो। दत्ता मेघे कॉलेज में वो इंजीनियर बना, एमटेक बना, और आज दत्ता मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर करके काम करता है, और उसकी कैंसर भी दूर हो गया। अब वो अच्छा है, अभी इसी हमारे रिंग रोड पर मानेवाड़ा के उधर उसका फ्लैट है, शादी हो गई और वो एक सेटल हो गया। तो मुझे ऐसे बहुत से अनुभव हैं कि गरीब गरीब लोग थे, मोमिनपुरा के भी काफ़ी लोगों के मैंने ऑपरेशन करा के दिए, और वो लोगों का जीना एक प्रकार से मुश्किल था। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये जो असरा फाउंडेशन है, ये जो आज आप काम शुरू कर रहे हैं, इसमें और एक बात सुझाऊंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ समाज की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए हमें लोगों को जगाना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई है कि सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्डनेस और पिछड़ेपन के कारण हम समाज में सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, और इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोगों की आवश्यकता है। पर आज सुबह मैं आपको, और स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दो क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा अमिताभ बच्चन ने जिनके ऊपर काम किया था, वो डॉक्टर अपना बारसे, विजय बारसे फिल्म बनाई थी। तो आज सुबह मैं सेंट उर्सुला कॉन्वेंट में एक फुटबॉल के मैच के उद्घाटन के लिए गया था, और वो फुटबॉल था जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे थे, एक मोमिनपुरा की टीम थी और एक जाफरनगर की टीम थी, फाइनल मैच थी, और वो सबको फुटबॉल सिखाते थे। मैं एक सपना देखता हूँ कि नागपुर में कम 1,00,000 बच्चे रोज़ मैदान पर खेलने चाहिए, और अगर बच्चे मैदान पर खेलेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा नेतृत्व तो बनेगा, नहीं तो दिन भर बीड़ी सिगरेट फूकना, इधर जाके छपाटीगिरी करना, क्रिमिनल, बहुत गंदगी की बातें हैं। आज बाबा ताजुद्दीन बाबा का उर्स हम लोग मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बार, कल DCP हमारे बहुत अच्छे है, क्या नाम अपना उनका, नरुल हसन। तो मैंने उनको कहा था कि अफू गांजा चरस वालों को यहाँ से निकालो बाहर, कहा कोई भी नेता कहे मेरे बदमरा नाम बताओ साले ठोकर निकालो बाहर, नो क्रिमिनल। और आज वो इतना क्लीन हुआ कि वहाँ वो बोल रहा था कम से कम हर उरुस में 1,500 मोबाइल फोन चोरी जाते थे, ये पहला उरुस है कि 15 गए 10 से 12। मैंने कहा कोई भी क्रिमिनल हो ये सब को बिल्कुल अंदर करो, ये नहीं करना, ये बाबा की जगह है, ये पवित्र होनी चाहिए। और प्यारे खान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने उनको कहा एक उनको एक बात बताई, ये शेगांव में गजानन महाराज का ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टी है चेयरमैन, इतना सुंदर ट्रस्ट नहीं है जो मैंने कभी देखा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। वो ट्रस्ट की एक विशेषता है कि मैं जब जब दर्शन करता हूँ और बाहर आता हूँ ट्रस्ट में बैठता हूँ, तब उसके जो अध्यक्ष थे, अभी गुर्जर गए, उनका लड़का अध्यक्ष है, तो हमारे लिए चाय लाते थे, तो वो मंदिर में चाय भी पीते नहीं थे और पानी भी नहीं पीते थे, दिन भर बैठे रहते, पर मंदिर में चाय और पानी भी मंदिर का नहीं पीते थे, ये उनका डेडिकेशन था।
तो मैंने ये प्यारे खान को कहा कि तुम तुम्हारे तरफ से खर्चा भर ये यहाँ खाने वाला लफड़ा बंद करो। इतने लोगों ने पैसे खा लिए बाबा के पास के, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत दुख का विषय। पैसे कमाना गुना नहीं है, पर ये पैसे का, और अब मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 400 बेडेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ताजुद्दीन बाबा के नाम से बहुत बड़ा अस्पताल वहाँ खोलना चाहिए। और हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सब निःशुल्क होना चाहिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सा काम करने की कोशिश करते रहता हूँ। एक कोराड़ी में हम एक अस्पताल बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोविड में ये प्रॉब्लम ध्यान में आया कि हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, आँखें सब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं। नागपुर में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी था मंडलेकर करके, उसकी तबीयत बिगड़ गई कोविड में। और जब हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि सर ये कल का आखिरी दिन, ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो प्रयास करने चाहिए। तो हमने स्पेशल प्लेन लाकर एम्बुलेंस से उसको चेन्नई लेके गए MGM हॉस्पिटल में, और वहाँ वो अच्छा हो गया। अब एकदम अच्छा काम करता है, उसको नई जान मिल गई। तो हमारे यहाँ नागपुर में व्यवस्था नहीं है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, तो मैं केवल ये ट्रांसप्लांट करने वाला ही एक हॉस्पिटल, वो वहाँ की कीमत 30 लाख रुपए है। तो मैं चाहता हूँ फुकट में हो। तो अब ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर है। आज मेड़घाट में एक डॉक्टर मगर करके काम करते हैं। तो मैं जब ये कोविड के समय था तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, तो मैंने 500 वेंटिलेटर लाए और पूरे विदर्भ में अनेक अस्पतालों को डोनेशन में दिए। फिर ऑक्सीजन पैक, बायपैक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हजारों से लाए। तब ध्यान में आया कि हमारे पास कुछ व्यवस्था ही नहीं है। वो तो MBBS डॉक्टर को वो चलाना नहीं आता था, तो वीडियो पे ट्रेनिंग किया मैंने। 60-70 एम्बुलेंसेस लाई, वो दी। तब ध्यान में आया कि लोग मर रहे हैं, लोगों के पास सरकारी अस्पताल में जितनी अच्छी सेवाएँ नहीं मिल सकती। और करसो तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आँखों में आंसू आने वाला, कि हमने हमारी एक योजना में 40,000 लोगों को 40 करोड़ की सामग्री, किसी को व्हील चेयर, किसी को काठी, किसी को कान सुनने के यंत्र बांटे। और जब मैं वो मैदान पे गया, रेशमबाग मैदान पूरा भरा था और कोई चल नहीं पा रहा था, लंगड़ रहा था, उसको पैर नहीं थे। मैं अभी बीच में एक बार जब मैंने अपने WCL से 80 लोगों को जो स्ट्रेचर पर आए और स्ट्रेचर पर आने थे और फिर उनको भेजा और जर्मनी से ऑटोबॉक्स कंपनी के पैर लगा दिए और वो मेरे घर पर आए। एक बुलेट चला रहा था, एक फुटबॉल खेल रहा था और दौड़ रहे थे। तब मुझे उस दिन इतना आनंद हुआ कि मैंने बहुत हाईवे और टनल और ब्रिजेस बनाए जो वर्ल्ड प्राइड के हैं, पर मुझे उस दिन जितनी खुशी हुई उतनी किसी दिन नहीं हुई। अब मुझे बहुत खुशी है कि आप फाउंडेशन की तरफ से ये काम कर रहे हैं। और एक बात, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी योजना में फुकट में काम होता है उसके लिए पैसा मत दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसकी मदद करिए। और आप अस्पताल अच्छा कर रहे हैं पर छोटा कर रहे हैं। देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए अच्छे सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, पर देखे हुए सपने को पूरे करने वाले बहुत कम होते हैं। और मेरा अभी तक अनुभव में जितने सपने देखता हूँ पूरे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ा हॉस्पिटल बनाइए, बड़ी जगह लीजिए और सरकार की योजना के लिए अप्रूव करिए, और निश्चित रूप से हमारे समाज में। दूसरा, केवल एलोपैथिक पर मत जाइए, आयुर्वेद है, यूनानी है, योग। मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ। 10 दिन में मैं अमिताभ बच्चन जी के यहाँ था, 1.5-2 घंटे बैठा था, तो मुझे पूछा उन्होंने कि तुम तो 10 साल यंग लग रहे हो। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा वजन 135 किलो था, अब 90 किलो पे आया। तो आप क्या करते हो? तो मतलब मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ। तो आज मैं इतना एनर्जेटिक हुआ कि मुझे कोई थकावट नहीं आती। तो यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब प्रकार के डॉक्टर है। और देखो जिससे हमारा नेम लगेगा वो अच्छा, एलोपैथी तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक तो आयुर्वेदिक, यूनानी तो यूनानी,
आखिर पेशेंट को आराम पड़ना चाहिए हमारा उद्दिष्ट है। तो एक बार मुझे लगता है अल्टरनेटिव सब बातों का भी अध्ययन करिए। दूसरी बात, मैं आपको और एक बात कहूँगा कि ये करते समय क्या हम लोग तकलीफ ही ना हो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आपको अच्छा हो गया आपने काम शुरू किया। मैंने नागपुर में दो मशीन लाई अमेरिका से, अभी हमारे पास है, आप वो मोमिनपुरे में करिए क्योंकि वो जरा थोड़ा सा अड़चन का विषय। मैं 200,000 महिलाओं की जांच की तो उनके छाती में 200,000 महिलाओं को जब चेक किया तो 3,500 महिलाएं कैंसर की निकली। अब महिलाएं अपनी छाती का चेकिंग करने के लिए तैयार नहीं होती तो लेडीज डॉक्टर आती है। मेरे पास दो मशीन है और मैं नागपुर के हर झोपड़पट्टी में, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, मैं घुमाता हूँ, जाता हूँ, चेक करता हूँ। तो 3,500 महिलाएं पहले अभी पागलखाने में मेंटल हॉस्पिटल में महिला को कैंसर निकला। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आपके जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ हार्ट के बारे में। अब मेरी नज़र इतनी तीखी हो गई कि हमारे यहाँ परसों एक प्रसन्न हरदास करके RSS के प्रचारक है, वो मेरे घर पे आए तो बात करते करते वो ऐसे थक रहे थे, यही बैठा था सागर मेरा पिए। तो मैंने उनको चलते चलते देखा, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, अपना भाषण उन्होंने दिया मेरे। मैंने बोला आप कुछ भी बोलो, मैं बता रहा हूँ मेरी नज़र से मैं हार्ट का पेशेंट पहचानता हूँ, यही धंधा कर रहा हूँ 25 साल से। तुम अभी का अभी डॉक्टर माडी करके इसको बोला मैंने, सागर गाड़ी में ले और इसको ले जाओ, इसका चेकिंग करो। जैसे गया 95% ब्लॉकेज निकला। अब तुम जो इतने लोग बैठे हुए हो, पहले अपने आंखें जांच करो और अपना हार्ट चेक कर लो। आप जितने 50-60 साल के ऊपर है, हर साल लोगों को अपने पैथोलॉजी लेबोरेटरी बुलाकर सबका हार्ट का और ब्लड का चेक करके चेक कर लो, उसमें ही बहुत से निकल जाएंगे और वो रोग होने के पहले सुधर जाएंगे। तो ये आज ये बहुत अच्छा, लोगों को आदत खराब होती है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और एक दिन हार्ट अटैक आता है सुबह 10 बजे और 2 बजे खत्म होता है। तो जो जो 60 साल के ऊपर है उनको लाओ, उनका मेडिकल चेकअप करो, पैथोलॉजी टेस्ट करो और उनको काट दो। दूसरा आँखों के बारे में है, अभी फुकट में ऑपरेशन, इतने कैटरैक के ऑपरेशन है कि बड़े प्रमाण पर कैटरैक के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और गाड़ी चलाते हैं। एक मंत्री का, मुख्यमंत्री का ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था, एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, वो एक आंखों से अंधा था। और मेरा एक्सीडेंट हुआ, 4 जगह पैर टूटा, वो भी कैटरैक था। अब काजी साहब तुम रिटायर्ड हो गए, आपके पास सरकारी गाड़ी नहीं होगी, आपके पास होगी तो आज जाके घर जाके पहले अपने ड्राइवर को मेडिकल का आंखें जांच लो। सरकार में जितने अधिक वो क्या करते हैं, झूठा सर्टिफिकेट लाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत आसान, 50 रुपये 2 सर्टिफिकेट मिलता है, वो परफेक्शन का ला लेता है। तो वो मैंने बहुत लोगों को बताया, तो जब प्राइवेट डॉक्टर से जाँच किया तो आँखों में खराबी थी। तो कोई भी रोग होने के पहले प्री मेडिकल चेकअप करने का अगर आप अभियान चलाओगे तो जो कल संकट आने वाला है वो संकट नहीं आएगा। आप जरूर अच्छा काम कर रहे हैं, ताजुद्दीन बाबा जी के नाम से भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, इसीलिए मैं आया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बहुत अच्छा काम करिए, जहाँ भी अड़चन आती है ज़रूर मेरे पास आइए, मैं निश्चित रूप से आपको इसमें सहयोग करूँगा। और जो मैंने प्री मेडिकल चेकअप का कहा है कैंसर और हार्ट के लिए, वो आप करिए और आपका एक सर्टिफिकेट तैयार करें और उनको दे दीजिए। ये करने से भी 1,000 लोगों की जान बच जाएगी। क्या है, नॉलेज का अभाव, अज्ञान और अंधश्रद्धा दोनों के कारण बहुत नुकसान होता है, और इसलिए सभी प्रकार के विकल्पों का उपयोग करके आप ये ज़रूर करिए। और बाबा ताजुद्दीन बाबा, उनके आशीर्वाद से आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी, और जो लोगों की सेवा करता है उसको सफलता मिलती है। मैं कभी अपना पोस्टर नहीं छापता, ना कटआउट छापता, ना लोगों को बताया, जरूरत होगी तो वोट देना, नहीं तो मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देने वाला देता ही है, तो काम करते रहना चाहिए। आप काम करो, और काम करने पे लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों को सब समझता है। और काम करते समय मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि आप काम करने के बाद उसका कभी प्रचार मत करो,
कि इनका फोटो छपाओ, इन्होंने ऐसा किया, ढकाना किया, मैं कभी नहीं करता। आपको ताज्जुब होगा कि कोविड के समय मैंने बहुत काम किया, कम से कम 100 करोड़ का साहित्य बांटा, पर मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं बांटता रहा। और बांटते बांटते आपको बताता हूँ कि इतना वो वायरल हुआ, जिसको मिला उसने वायरल किया, तो मुझे देश भर में नॉलेज, लोगों को पता चल गया कि ये काम इन्होंने किया करके। रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शन बन गए, एम्बुलेंसेस गई। ये डॉक्टर मगर की बात मैं कर रहा था, मेघाट में जो एम्बुलेंस दी मैंने उनको, उनने एम्बुलेंस में अभी तक 1000 ऑपरेशन किए, एम्बुलेंस में, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। मैंने, मुझे बहुत खुशी होती है, अंजुमन इस्लाम को मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, नहीं कुछ तो मुस्लिम समाज के 8-10 हज़ार इंजीनियर बन गए, आज लड़की और लड़कियां इंजीनियर बने। अगर मैं वो नहीं देता तो बेचारे नहीं बन पाते, तो उनकी ज़िंदगी बन गई। अभी एक नहीं 10 इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट के कॉलेजेस चाहिए, और ये करेंगे तो समाज की तरक्की होगी। और एक स्पोर्ट्स और कल्चर, दो बातों में भी आप कोशिश करिए, इससे समाज बनता है। जो खेला खिलाड़ी है उनको खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, रात को 6 बजे के बाद बच्चे 2 घंटे जाने चाहिए, स्विमिंग टैंक होने चाहिए, इससे हमारी नई जनरेशन बनेगी। और कल्चरल प्रोग्राम जो होता है उससे इतिहास, संस्कृति और विरासत का पता चलता है, और उससे जो स्पिरिचुअल भी बातें होती है, वैल्यूज़ भी होती है, उससे भी समाज बनता है उन संस्कारों से। तो आप ये चारों बातों को इंटीग्रेट करके काम करिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद। Definitely.